नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन के मालिक अमित शाह है, जो कि नरेंद्र मोदी के निगरानी में यहां पे सहारा रिफंड पोर्टल को उन्होंने लॉन्च किया है। दोस्तों, इस पोर्टल का एक ही एम है कि जितने भी लोगों का पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ था, जो भी लोगों का पैसा उसमें इन्वेस्ट किया हुआ था, करीब इंडिया में 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं जिनका पैसा सहारा के पोर्टल में फंसा हुआ है, तो उनका पैसा कैसे उन तक वापस आए, यही उसका उद्देश्य है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर सहारा इंडिया का पोर्टल क्यों लॉन्च किया गया है और लॉन्च किया गया है तो उसके अंदर दोस्तों आप अपना यहाँ पे जमाकृत पंजीकरण कैसे करेंगे और यहाँ पे लॉगिन करके आप प्रोसेस को कैसे कंप्लीट करेंगे, यानी कुल मिलाकर कहने का यही मतलब है दोस्तों कि आप अपना पैसा कैसे वापस अपने तक ला सकते हैं, उसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे। तो वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ गवर्नमेंट के वेबसाइट में corporation.gov.in, और ये वेबसाइट दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन का वेबसाइट है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो नीचे आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलता है सहारा के नाम से CRCS सहारा का रिफंड पोर्टल आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे बगल में दोस्तों आप देखेंगे रिफंड वीडियो भी देखने को मिलता है और उसके बगल में रिफंड ट्यूटोरियल भी आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे रिफंड पोर्टल यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्लिक करके यहाँ पे ओपन किया है, तो यही वो वेबसाइट है दोस्तों जहाँ पे आप अपने लिए रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करेंगे और सहारा रिफंड पोर्टल आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो आपका पैसा आपने इन्वेस्ट किया है सहारा सोसाइटी के अंदर, तो कौन कौन से सोसाइटी के अंदर आपने इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ पे सहारा क्रेडिट कॉरपोरेशन सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ आपको देखने को मिलता है, दूसरा सहारा यान यूनिवर्सल मल्टी पर्पस सोसाइटी लिमिटेड भोपाल आपको देखने को मिलता है, हमारा इंडिया क्रेडिट कॉरपोरेशन सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता देखने को मिलता है, स्टार मल्टीपर्पस कॉरपोरेशन सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद देखने को मिलता है। तो इन चारों में से अगर आपने अपना पैसा इन चारों सोसाइटी में इन्वेस्ट किया है तो 100% दोस्तों यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और अपना प्रोसेस कंप्लीट करेंगे तो आपका पैसा आप तक आसानी से देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे चलिए बात करते हैं कि रिफंड वीडियो क्या है। तो चलिए दोस्तों, मैंने अगर इस पर क्लिक किया है तो जैसे ये वीडियो ओपन होता है तो YouTube पे इनका कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है और यहाँ पे आप देखेंगे अभी एड शो कर रहा है, तो चलिए एड को हम सिंपली यहाँ पर स्किप करेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे वीडियो ओपन होता है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन के द्वारा ये वीडियो यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जहाँ पर दोस्तों नरेंद्र मोदी और यहाँ पे अमित शाह ने इस चीज का निर्णय किया है कि सहारा रिफंड पोर्टल को लॉन्च करेंगे ताकि जितने भी लोगों का पैसा फंसा है उसमें वो पैसा उन तक मिल सके। यहाँ पे आप टाइटल में पढ़ेंगे अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग फॉर रिफंड ऑन द पोर्टल, यहाँ पे आपको सारा जानकारी देखने को मिलता है। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अप्लाई करने से पहले इस वीडियो को जरूर देखिएगा और पूरा देखिएगा और समझने का ये कोशिश करिएगा कि आखिर गवर्नमेंट आपसे क्या कहना चाह रही है और आपको क्या बताना चाह रही है। जनरली दोस्तों मैं आपको कुछ जानकारी यहाँ पे दे देता हूँ कि जो गवर्नमेंट के पास अभी बजट है 5000 करोड़ बजट है और 5000 करोड़ को ही लोगों में अभी पहले फेज में बांटना है, तो करीब 1,07,00,000 लोगों को ही पैसा शुरू में मिलेगा और करीब सारे लोगों को 10,000 मिलेगा स्टार्टिंग में। जैसे पहला फेज इनका कंप्लीट होता है उसके बाद दूसरे फेज में दोस्तों टोटल जो बकाया पैसा होगा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये वीडियो है, आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगेन दोस्तों यहाँ पे रिफंड ट्यूटोरियल का भी वीडियो है, तो चलिए मैं आपको उसको भी ओपन करके दिखा देता हूँ। तो जैसे ये वीडियो ओपन होता है तो यहाँ पे दोस्तों आपको बकायदा समझाया गया है कि कैसे आप यहाँ पे अपना पंजीकरण करेंगे सहारा रिफंड पोर्टल में, आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का आपको रिक्वायरमेंट होगा। तो ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके पास आपका एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए, एक बैंक अकाउंट होना मैंडेटरी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे आपको कंप्लीट इस वीडियो में समझाया गया है कि कैसे आप अपना पंजीकरण करेंगे, कैसे यहाँ पे अपने डिटेल को फिल करेंगे और कैसे 6 स्टेप को आगे आपको कंप्लीट करना है और आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद 45 दिन के अंदर जो आपका पैसा है इनिशियल फेज का पैसा दोस्तों 10,000 आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे मैं आ चुका हूँ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे और यहाँ पे इसके अलावा आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलता है। अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पे मेन वेबसाइट पे जो कि सहारा रिफंड पोर्टल को लॉन्च किया गया है। वेबसाइट को आप एक बार अच्छे से यहाँ पे देख लीजिएगा,
यही मेन वेबसाइट है, इसी पे दोस्तों आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे दोस्तों जब आप वेबसाइट को ओपन करेंगे तो वेबसाइट का जो यूजर इंटरफेस है आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिल जाता है। यहाँ पे नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे सारा डिटेल समझाया गया है। तो मेरा आपसे एक रिकमेंडेशन है दोस्तों, जब आप आवेदन के लिए अप्लाई करेंगे तो उससे पहले इन सारे आर्टिकल को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे टोल नंबर भी दिया गया है, आप इस पे कॉल करके कुछ और भी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप आराम से ले सकते हैं। तो चलिए आपको करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे, चलिए मैं जूम इन करके दिखा देता हूँ, जमाकर्ता पंजीकरण यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको सबसे पहले स्टेप में आधार नंबर का अंतिम चार अंक यहाँ पे आप डालेंगे, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर यहाँ पे आप डालेंगे, यहाँ पे एक कैप्चा आएगा जो कि अभी नहीं आया है क्योंकि मेरा इंटरनेट कनेक्शन स्लो है। उसके बाद OTP प्राप्त पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे OTP आता है, उस OTP को आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे। इससे क्या होगा कि आप इस वेबसाइट में पंजीकृत हो चुके हैं, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे जमाकर्ता लॉगिन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। तो आपका आधार नंबर का अंतिम चार अंक यहाँ पे आप डालेंगे, मोबाइल नंबर आप डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे और OTP प्राप्त करेंगे। OTP प्राप्त करने के बाद दोस्तों आपको अपना OTP एंटर करना होगा। उसके बाद आपका जो लॉगिन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप यहां पे आ जाएंगे इस वेबसाइट में और यहां पे आपको करीब 6 स्टेप कंप्लीट करने होते हैं। यहां पे चलिए मैं वीडियो को बड़ा कर देता हूं। यहां पे देखेंगे पहला स्टेप ये आपको देखने को मिलता है, दूसरा स्टेप आपको व्यक्तिगत विवरण देना होता है, दावा विवरण करना होता है, प्रश्न जनरेटर करें और दस्तावेज अपलोड करें, और यहाँ पे 6 स्टेप आपको इस तरीके से कंप्लीट करना होता है। आसान सा 6 स्टेप है दोस्तों, आप आराम से इस चीज़ को कंप्लीट कर लेंगे। जैसे ही आपका स्टेप कंप्लीट हो जाता है उसके बाद यहाँ पे 100% आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप इस वीडियो को देख कर ही अप्लाई ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो को गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसी वीडियो के माध्यम से आप स्टेप बाय स्टेप देख कर ये सीख सकते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है, दावा विवरण कैसे करना है, व्यक्तिगत विवरण आपको कैसे देना है, दस्तावेज कैसे आपको अपलोड करना है, कौन कौन से दस्तावेज की जरूरत है, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे कंप्लीट इस वीडियो में समझाया हुआ है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कंप्लीट आपको जानकारी मिल जाएगा। आप अच्छा होगा कि इस वीडियो को अच्छे से आप देखकर स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करिएगा ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो और 45 दिन के बाद दोस्तों जो आपका पैसा है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। यहाँ पे आप देखेंगे आपका दावा आवेदन संख्या आपको इस प्रकार लास्ट में देखने को मिलेगा और यहाँ पे जो 30 दिनों के भीतर अपनी सिफारिश देगी, यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से आपको सिफारिश देखने को मिलेगा और इस पोर्टल के माध्यम से दोस्तों आपको 45 दिनों के भीतर सूचित किया जाएगा, जो भी आपका पैसा है जो आपने दावा किया है उसकी सूचना मिलेगी और पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों कि स्टार्टिंग फेज में गवर्नमेंट हर एक को 10,000 रुपये दे रही है, बाद में आपके जो पूरे पैसे होंगे वो आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल पर दोस्तों आप नए हैं तो मेक श्योर नीचे आपको रेड कलर का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ तो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरे वीडियोज को देख पाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।